नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। इन प्रीवियस वीडियोज आई हैव एक्सप्लेन सम पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रोज क्लॉज एंड एक्सेप्शन क्लासेस। सो प्लीज सी। तो पिछले वीडियोज में हमने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में चर्चा की थी। उसमें एरर टाइप बताया था, रन टाइम एरर बताई थी, लॉजिकल एरर बताई थी, कंपाइल टाइम एरर बताई थी। तो आज हम बात कर रहे हैं, ट्राई कैच की बात की थी मैंने, फाइनली की बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं थ्रोज क्लॉज की, कि हाउ कैन वी यूज थ्रोज क्लॉज। तो देखिए, द थ्रोज क्लॉज इफ अ मेथड इनवोक्स कोड दैट कॉजेज एन एक्सेप्शन, then the method should provide a catch clause to handle the exception. If a catch does not handle the exception, then the exception must be passed out of the method and be handled by the code calling the method. If an exception is allowed to pass through a method, a throws clause is required in the method declaration to indicate that an exception can occur that the method itself does not handle. It is specified with method header or you can say method prototype. इसका संदर्भ क्या होगा? Access specifier, ये ऑप्शनल होता है। फिर मॉडिफायर, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल। फिर रिटर्न टाइप, जो फंक्शन रिटर्न करेगा उस टाइप का रिटर्न टाइप। फिर मेथड नेम, फिर पैरेंथेसिस, फॉर्मल पैरामीटर, दीज आर ऑल्सो ऑप्शनल। उसके बाद थ्रोज होगा, थ्रोज के बाद एक्सेप्शन क्लासेज होंगी। वी कैन गिव मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेज, अगर एक है तो सीधे देंगे, अगर एक से ज्यादा है तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। हम एक से ज्यादा एक्सेप्शन क्लास थ्रोज के बाद दे सकते हैं। अगर एक देंगे तो ठीक है, नहीं अगर एक ज्यादा देते हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन या मेथड होगा, अंदर विद इन ब्रेसेस उस फंक्शन की बॉडी होगी। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां कोई पैरामीटर नहीं है, ये ऑप्शनल था। थ्रोज एक्सेप्शन लिख दिया, फिर बॉडी ऑफ मेथड फंक्शन हो गया। आगे देखिए, इफ अ मेथड हैज नो थ्रोज क्लॉज देन द मेथड कैन नॉट पास आर थ्रो एनी एक्सेप्शन। मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप्स कॉमा सेपरेटेड कैन बी डिक्लेयर्ड इन द थ्रोज क्लॉज। अ मेथड मस्ट डिक्लेयर इन इट्स थ्रोज क्लॉज ऑल द चेक्ड एक्सेप्शंस इट कैन थ्रो। देखिए क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पैरेंथेसिस थ्रोज आईओ एक्सेप्शन कॉमन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। यहां पर दो एक्सेप्शन आ गए, एक आ गया आईओ एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एक आ गया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इसलिए दोनों के बीच में क्या लगा, कॉमा। और फिर क्या होगा, बॉडी ऑफ फंक्शन या मेथड होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है थ्रोज का। अब आगे देखिए, व्हेन एक्सेसिंग अ मेथड दैट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्री अप्रोचेज आर पॉसिबल फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन। तीन अप्रोच है, कौन कौन से देखिए। नंबर वन, कैच द एक्सेप्शन एंड हैंडल इट, एक तो कैच से काम करिए। दूसरा, कैच द एक्सेप्शन, मैप द एक्सेप्शन टू अ न्यू यूजर डिफाइन एक्सेप्शन टाइप एंड थ्रो द न्यू एक्सेप्शन टाइप। The new user defined exception must be declared in the method statement, means body of method, method के अंदर। तीसरा क्या है, declare the exception in the throws clause of the current method and let the exception pass through the method। तीन तरीके से काम कर सकते हैं। The general rule is to catch the those exceptions that we know how to handle and propagate those exceptions that we do not know how to handle। अब हम बात कर रहे हैं
एक्सेप्शन क्लास की, द एक्सेप्शन क्लास, द कैच स्टेटमेंट आल्सो स्टोर्स एन इंस्टेंस ऑफ द एक्सेप्शन दैट वाज कॉट इन द वेरिएबल दैट द प्रोग्रामर यूजेज. While all exceptions are subclasses of exception class, सारी क्लासेस क्या होती है, क्लास की सब क्लासेस हैं. Exception itself is a subclass of throwable class. तो मेन क्लास कौन सी हो गई, throwable class. Throwable की सब क्लास क्या हुई, exception class, और exception की बाकी क्लासेज होती हैं, बाकी क्लासेज exception class की सब क्लासेज होती हैं. तो ये क्या है, throwable, throwable की सब क्लास हमारी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के सब क्लासेस, जैसे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स ऑर्डर बाउंड एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, दीज आर सब क्लासेज ऑफ एक्सेप्शन क्लास. तो क्या है, थ्रोएबल क्लास विच कंटेन्स अ नाइस सूट ऑफ मेथड्स दैट वी कैन यूज टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिपोर्ट अबाउट आर एक्सेप्शंस. तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. पहला क्या है, गेट मैसेज, इट रिटर्न द एरर मैसेज रिपोर्टेड बाय द एक्सेप्शन इन अ स्ट्रिंग. दूसरा है प्रिंट स्टैक ट्रेस, इट प्रिंट द स्टैक ट्रेस ऑफ द एक्सेप्शन टू स्टैंडर्ड आउटपुट यानी मॉनिटर, यूजफुल फॉर डिबगिंग पर्पजेज इन लोकेटिंग Where the exception occurred. Third, print stack trace or within parenthesis print stream or object name. It prints the stack trace to an alternative output stream. Fourth, print stack trace or parenthesis में print writer object. It prints the stack trace to a file. This way we can log stack traces transparent to the user or log for later reference. Next is to string. If we just decide to print out the exception, it will print out this name of exception, get message. ठीक है, अब क्या है, कॉमन एक्सेप्शंस, कौन कौन से एक्सेप्शंस कॉमन हैं जो जनरली जाते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट एक्सेप्शंस दैट कैन बी थ्रोन बाय अ प्रोग्राम एंड अ जावा एपीआई कंटेन्स क्वाइट अ फ्यू. अ लॉट आर कंटेन्ड इन द डिफॉल्ट पैकेज java.lang. हाउएवर व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग मोर फंक्शनलिटी सच AWT swing or java.io, the packages may also contain additional exceptions thrown by those libraries. अब ये कुछ exception classes हैं, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे. क्या है, पहला क्या है, arithmetic exception. It thrown if program attempts to perform division by zero. यानी ये arithmetic exception में जाएगा. B, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. ये क्लास है, ये एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास है. इट थ्रोन इफ अ प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू एक्सेस एन इंडेक्स ऑफ एन अरे दैट डज नॉट एग्जिस्ट. जो इंडेक्स उसमें है ही नहीं, उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा. थर्ड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. It thrown if a program attempt to access a character at a non-existent index in a string. यानी जो index है ही नहीं उस string में, वो index attempt कर रहे हैं, तो ये exception आएगा. Fourth, null pointer exception. जितने भी classes हैं, ये सब class किसके हैं, exception class के सब classes हैं. नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट थ्रोन इफ द JVM अटेम्प्ट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट पॉइंट टू नो डेटा आर नल. तो ऐसा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं
जिसमें कोई डेटा नहीं है यानी नल है। अगला क्या है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इट थ्रोन इफ अ प्रोग्राम इज अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ न्यूमेरिकल डेटा टाइप एंड द स्ट्रिंग कंटेन्स इन अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स। हम जब कोई डेटा देते हैं तो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, फिर उसको हमें कन्वर्ट करना होता है पार्ट फंक्शन से। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं और वो स्ट्रिंग फॉर्म में जो डेटा है वो न्यूमेरिक डेटा नहीं है तो एरर आती है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की, यानी हम इंटीजर टाइप में इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और डेटा इंटीजर में नहीं है किसी दूसरे फॉर्म में है तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आती है। अगला क्या है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इट थ्रोन इफ अ प्रोग्राम कैन नॉट फाइंड अ क्लास इट डिपेंड्स एट रन टाइम। हम किसी क्लास को यूज कर रहे हैं उसका वो क्लास मिला ही नहीं, वहां है ही नहीं, वो कुछ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है। अगला है आईओ एक्सेप्शन इट एक्चुअली कंटेन्ड इन जावा डॉट आईओ बट इट इज थ्रोन इफ द जेवीएम फेल्ड टू ओपन एन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कुछ डेटा इनपुट कर रहे हैं ले रहे हैं तो ये एक्सेप्शन आता है जब जब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नहीं ओपन होता है। अगला है निगेटिव अरे साइज एक्सेप्शन इट थ्रोन इफ अरे क्रिएटेड विद अ निगेटिव साइज, यानी हम अरे क्रिएट कर रहे हैं और उसका साइज क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया, तो ये एक्सेप्शन आता है। अगला है अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन इट थ्रोन इफ एन अनसपोर्टेड ऑपरेशन वाज एनकाउंटर्ड, जैसे मान लिया हम स्ट्रिंग दिया हुआ है और वहां उसको मल्टीप्लाई करने लगे तो जो या कुछ ऐसा ऑपरेशन दे रहे हैं जो उसमें पॉसिबल नहीं है तो ये एक्सेप्शन आती है। अगला है इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन इट थ्रोन इफ एक्सेस टू अ क्लास इज डिनाइड, कोई क्लास है उसमें वो उस समय वो चीज हमने रोक रखा है तो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन आती है। अगला है इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन इट थ्रोन इफ द अटेम्प्ट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये तब आता है जब कोई हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम कोशिश करते हैं या इंटरफेस का नहीं बनाते ऑब्जेक्ट, तो ऐसी एक्सेप्शन आती है इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन। लास्ट नो सच मैथड एक्सेप्शन इट थ्रोन इफ अ रिक्वेस्टेड मैथड डज नॉट एग्जिस्ट, कोई मेथड हम कॉल कर रहे हैं और वो मेथड है ही नहीं तो ये एक्सेप्शन आ सकती है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्शन क्लासेस बता सकते थे जो ज़रूरत होती हूँ मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ टेक स्क्रीन शॉट। तो आज हमने बताया द थ्रोज क्लास के हमने सिंटैक्स बताया, उसके दो एग्जांपल बताया कि एक एक्सेप्शन भी दे सकते हैं एक से ज़्यादा एक्सेप्शन दे सकते हैं। फिर हमने चर्चा की कि तीन तरीके से हम हैंडलिंग कर सकते हैं एक्सेप्शन की। फिर हमने एक्सेप्शन क्लास की चर्चा की कि एक्सेप्शन क्लास किस में आता है, थ्रोएबल क्लास में आता है। फिर हमने उसके कुछ फंक्शन बताए एक्सेप्शन क्लास के। फिर हमने कॉमन एक्सेप्शन क्लासेस की बात की, उसमें से हमने करीब 12 एक्सेप्शन क्लास की चर्चा की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ डाउट्स हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो देर ना करें तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है उसको क्लिक करें और ऑल कर दें, तो इससे क्या होगा जो भी नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। अब तुरंत इसलिए सब्सक्राइब करें कि अब इस चैप्टर के बाद हम 10 ईयर्स सॉल्व कराएंगे, तो जिससे अगर आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप देख लें, इसलिए तुरंत ही सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है,
ऐसी कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको तुरंत ही शेयर करना, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और कोई चैप्टर अगर पार्ट्स में है, जनरली चैप्टर पार्ट्स में होते हैं, तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके ही वीडियो देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।